इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सामने, पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, जिन्हें थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, पवन खेड़ा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, पवन खेड़ा के खिलाफ सभी केस की सुनवाई अब एक जगह होगी। दरअसल पवन खेड़ा के खिलाफ अलग अलग राज्यों में केस दर्ज की गई थी, FIR दर्ज की गई थी, और उन सबको एक राज्य में करने की भी मांग कांग्रेस की तरफ से थी। अभिषेक मनु सिंघवी उनकी तरफ से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में देख रहे थे, और इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आई है, पवन खेड़ा को, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई है। पवन खेड़ा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश सामने आया। आपने देखा था कि आज दोपहर में जब रायपुर अधिवेशन के लिए पवन खेड़ा जा रहे थे, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, उस वक्त पवन खेड़ा को फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया था, और इसको लेकर वहीं पर कांग्रेसी नेता प्रदर्शन करने लगे थे, धरने पर बैठ गए थे। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। पीयूष, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में? फ्रीडम ऐप से सीख कर, क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो FIR है, तीन जो दो राज्यों में दर्ज की गई है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और बनारस में दर्ज की गई है, जबकि एक असम में दर्ज की गई है, जिसकी पुलिस आज उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई थी और उन्हें गिरफ्तार किया। अब उनके उन्हें चिकित्सकीय जांच के लिए जब ले जाया गया तभी सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग की गई, और अब सुप्रीम कोर्ट ने FIR को क्लब करने के मामले में नोटिस जारी कर दिया है, जबकि जो उन्हें जमानत देने की बात है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो अदालत है जहां पर उन्हें शाम को पेश किया जाएगा, जो इस बारे में तय करेगी कि उन्हें जमानत प्रदान की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर जो अगली सुनवाई है वो सोमवार को लगाई है, और आज जब पवन खेड़ा को पेश किया जाएगा द्वारका कोर्ट में, तब उन्हें जमानत फिलहाल मिल जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटस से उन्हें संरक्षण प्रदान किया है, और इस मामले में जो FIR है जो दो अलग अलग राज्यों में दर्ज की गई है उसे क्लब करने का के लिए नोटिस जारी कर दिया है। क्लब होने के बाद ये मामले एक ही जगह पर चलेंगे, अलग अलग राज्यों में नहीं जाना होगा। पीयूष, अभी तक जो FIR थी वो तीन अलग अलग जगह थी। जी बिल्कुल, और इस मामले में जो FIR है उनको क्लब करने पर नोटिस जारी किया गया है, यानी कि असम और उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले पर जवाब तलब किया गया है। जब ये जवाब दोनों राज्यों की ओर से दाखिल कर दिया जाएगा उसके बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट FIR को क्लब करने का आदेश जारी करेगा। अभी दोनों राज्यों से जवाब तलब किया गया है, क्योंकि लखनऊ और बनारस में दो FIR अलग अलग दर्ज हैं, जबकि एक असम में दर्ज है, और इस मामले में संरक्षण के लिए साफ तौर पर पवन खेड़ा की जो गिरफ्तारी की गई थी उसके बाद संरक्षण के लिए यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को मेंशन किया था, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक तरह से संरक्षण प्रदान करते हुए कहा है कि आज जब उन्हें द्वारका कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड देने के लिए पेश किया जाएगा तब उन्हें फौरी राहत प्रदान कर दी जाए, तब तक के लिए जब तक कि इस मामले में कुछ नतीजा सामने निकल के नहीं आता है। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई सोमवार को करेगा, और उस दौरान ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है। जी, यानी कि आज शाम को जब वो एंट्रीम बेल पर छूटेंगे तो वो रायपुर जा सकते हैं। पीयूष। जी बिल्कुल, जब एंट्रीम बेल पर वो छूटेंगे तो वो रायपुर या वो जहां भी जाना चाहें वो जा सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो FIR क्लब करने की मांग थी, क्योंकि इस मामले में जो आवेदन दाखिल किया गया था उसमें क्वाशिंग की मांग मौखिक तौर पर जरूर की गई अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, लेकिन जो आवेदन दाखिल किया गया था उसमें FIR को क्वाशिंग करने की मांग नहीं शामिल थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने FIR को क्लब करने की मांग पर दोनों राज्यों को नोटिस जारी किया, और जो अंतरिम राहत देने की मांग की गई थी यानी कि अंतरिम जमानत दे दी जाए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो द्वारका कोर्ट है उसको निर्देश जारी कर दिया कि इस मामले पर शाम को जब एक्यूज को पेश किया जाए, यानी कि पवन खेड़ा को जब पेश किया जाएगा ट्रांजिट रिमांड को लेकर के, तब इस मामले पर वो उन्हें जमानत प्रदान कर दे, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जो अगली सुनवाई है वो सोमवार को करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए पीयूष। फ्रीडम ऐप से सीख कर, क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।